ईद ए मिलादच्या निमित्तानं रत्नागिरी शहरामध्ये भव्य रॅली काढण्यात आली होती. रत्नागिरी शहर आणि आसपासच्या गावातून मोठ्या संख्येनं नागरिक यामध्ये सहभागी झाले होते. रत्नागिरीतील उद्योजक किरण सामंत यांनी देखील या रॅलीच्या ठिकाणी भेट देऊन सर्व नागरिकांना ईद ए मिलादच्या निमित्तानं शुभेच्छा दिल्या. दरअसल ईद ए मिलादुन नबी हमारे प्यारे पैगंबर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और इनके आने से पहले पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और बर्बरियत और गुनाह मौजूद थे. लेकिन जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में तशरीफ लाकर इन्होंने हमें इंसानियत का दर्स दिया, भाईचारगी पैदा फरमाई और ये कहा कि एक मुसलमान ने, एक इंसान ने अपनी तरफ से किसी को अजियत नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, हत्ता के एक चोटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए. तो ये इंसानियत का दर्स हमारे पैगंबर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और आज उन्हीं की विलादत की खुशी पूरी दुनिया में मनाई जा रही है. हमारे बड़े तो यूं कहते हैं कि जब तलक ये चांद तारे झिल मिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे. नात खानी मौत भी हमसे छोड़ा सकती नहीं, कब्र में भी गीत बेदब मुस्तफा के गाएंगे. खरतर ही रैली ईद ए मिलादच्या दिवशीच निघते, म्हणजे ही रैली 28 सप्टेंबरला निघणार होती, परंतु अनंत चतुर्दशी असल्यामुळे रॅली पुढे ढकलण्यात आली आणि आज ही रॅली अत्यंत उत्साहात, आनंदात आणि जल्लोषात काढण्यात आली. जमीर खलफेसह मुश्ताक खान, माय कोकण, रत्नागिरी. माय कोकण सबस्क्राइब करण्यासाठी लाल बटनवर क्लिक करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकनवर क्लिक करून सर्व अपडेट्स आपल्या मोबाईलवर मिळवा.